सब भूल जाएगा है? नहीं 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 नहीं, इसी बार में भूल जाता है। ये क्या है, क्यों मार रहे हो? इसलिए चैलेंज बना था। देखो भैया, मैं गलत नहीं किया, एक और बार पहले गलत किया, एक बार गलत नहीं किया। मारिए बच्चा सिंह जी, मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी कुबेरनाथ, आपका इस दंगल परिवार में स्वागत वंदन और अभिनंदन है। डॉक्टर किशोर जी, जो हम लोगों के साले हैं, एक लौटे साले हैं बेचारे हम लोग। गोल्डन शुक्ला कहाँ है? गोल्डन शुक्ला और ये हमारे बाबा दिखाई दे रहे हैं, खबील बाबा। तो कैसे लगते हैं आप जावेद गनी का हाथ जो है माननीय सुरक्षा? कितने टाइम से देख रहे हो जावेद गनी को? और हमारे विद्यालय से आए हैं अजय राय जी, दिखाई दे रहे हैं, आ जाए अजीत भाई ने कही। गोलू भैया, हे भैया में टूट रहे हैं, लेकिन शांति दारू के बोतल में नहीं मिलेगा, दूध पीने में मिलेगा। और आपसे कहना चाहता हूँ कि सही संगत करेंगे, सही काम होगा तो देश तरक्की करेगा, आप भी तरक्की करेंगे। और संजय भैया ने दंगल करा के नौजवानों के लिए सुनहरा अवसर दिया है। हम चाहेंगे संजय भैया पहलवानों को, सम्मानित जनता को, आए हुए अतिथियों को आपके द्वारा संबोधित किया जाए। भैया संजय, ये कुश्ती की परंपरा मेरे पिताजी 1900 हमको लगता है 70-71 में शुरू किए, और उनके न रहने पे आप लोगों के आशीर्वाद से इस परंपरा का निर्वहन करूंगा जितने दिन तक हो सकेगा मुझसे। अब बेटे का तो ठीक, इस देश की सबसे बड़ी कुश्ती जावेद गनी। एक मिनट पर्चे तो करवा दीजिए, हाथ पकड़ो। मैं फिर साहब लोग आइए, हाथ पकड़ो। काले कलर की जाएंगे, मैं काले होगा, ऊपर से काला नीचे से काला, यही एक कट्टर पहलवान केवल। लेकिन इनका कहना है कि पैसे के लिए बहुत ही भूखे पहलवान, लेकिन कहना है कि अगर वो राजी है तो रिज भी देता है कीड़े में पत्थर में, अगर खुदा राजी है तो रिज भी देता है कीड़ों को पत्थर में। और क्यों लगे रहते हो कट्टर पहलवान राम जी रोजी के चक्कर में, भरे हरामे हुआ समुद्र में बता लीजिएगा वही जो लिखा है तेरे में पत्थर में। जो नाम काली कहकर के स्वागत किया जी, मेरी भी बातें सुन लो, आप इतनी बोल रहे हो तो कुत्ते हमेशा शोर मचाते हैं, शेर का हमेशा दबदबा होता है, याद रखिएगा। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन ही का सवाल के जवाब में रेफरी साहब को भाई हाथ को लाल कलर की जांघ में वीपी पे केला राज करने वाला यही है जगत गनी पहलवान। लेकिन उनका भी कहना है कि फूल वाजिब है मगर वक्त पे शोला बनकर बशरूर मोहब्बत का पल भर में बदल सकते हैं। मगर वो उनको सोलह बनकर दस्तूर में हर वक्त का पल भर में बदल सकते हैं। और जिसे खतरा हो उस चमन की बहारों को ऐसे भर होकर चुटकियों से बसल सकते हैं। जो बात आई कुश्ती के कारण आठ मिनट में कुश्ती अखाड़ी के बीच में कोई पहलवान भाव काम नहीं करेगा। और इसके
दूसरी बात इस पहलवान की कोशिश तैयारी बनाना बच गया। पप्पा ने काम कर दिया था लेकिन बच गया। आपके कहने से नहीं कोई मार पाएगा जबेर से नहीं चाहे वही ना किसी का नजर बुरा ना किसी का मुंह काला इस सृष्टि में नहीं होगा जो चाहेगा उठाला छोड़ दीजिए आप कोई ईमानदार पहलवान हो आप भसी का पालक कीजिए नाम देखिए तटस्था बच गए नहीं तो खतरे में फिर भी नजर हो देखिए चारों तरफ मोबाइल का कैमरा खुला हुआ है वो कैमरे ने इस कुश्ती को कैद कर दिया है। बहुत लोग यूट्यूबर भी आए हैं उठाने का अंदाज देखिए गजब का अंदाज है कि अपना पहलवान का उठाने का देखिए बीच जाइए बीच में आने लग पी गई अब सुता जाता है हमने चला पहले करूंगा हां ना वही मैंने भाग भी दे पूरा मजाक ठीक गांव का नाम है निकाल दो बहुत बढ़िया से कप्तान ने निकाल दो ना लेकिन देखिए धरती पाते आते क्या हो रहा है बहुत बढ़िया बिल्कुल सीधा पोजीशन है गर्दन है पहलवान की गर्दन है गर्दन देखिए गर्दन देखिए गर्दन है तब तक पहलवान नाम तो भले चाहे जैसा हो लेकिन काम अच्छा है पहलवान का फाल काम ज्यादा नहीं कर रहा है नहीं 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 सब करो आप ईमानदार पहलवान एक बार कटप्पा के नाम पर जोरदार ताली बजा दीजिए एक दो पहलवान ऐसे बेईमान है कि अपने पूरी खानदान का परिचय दे रहा है बेईमानी करते हैं अरे पानी पानी भेजो यार पानी इधर दो पहलवान लोगों को भैया गाना जनता का नहीं गाना बजा दीजिए कोई भक्ति गाना बजा दीजिए जनता का घर आना वो भी गाने की जरूरत नहीं देश सब का जवान है तो देश भक्ति गाना लगा दीजिए बीच में ही बीच में हमारा का फूल है
मैं जान पड़ा ही मेरा उनका तोड़ रहा ये बताइए आप उसका वो सम्मान पकड़ रहे ना क्यों मार रहे यार देखो मैं गलत नहीं करता जब मैं गलत किया तो इसका बदला तो मैं लूंगा गलती कोई पहले नहीं करेगा दोनों पहले भाईचारा समझे गांव पे जाएगा है यार साल कौन में करे सब भूल जाएगा नहीं 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 उसी बात में मैं भूल जाता है वो क्या है क्यों मार रहे